नमस्कार, अनीता आनंद आपका स्वागत करती है। आज मैं लाल भाजी बनाने जा रही हूँ, जिसको बिहार में इसको साग कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लाल भाजी कहा जाता है। आज इसमें क्या क्या सामग्री लगेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। ये हल्दी है, जो आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा भुना हुआ है, आधा चम्मच तिल, लहसुन 10 कली, 2 लाल मिर्ची, 1 हरी मिर्च जो मैंने पहले से काट के रखा है, स्वाद अनुसार नमक, नींबू का रस, 1 प्याज, 1 छोटा टमाटर, 1/2 इंच अदरक, सरसों का तेल। अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। लगातार चलाते रहें। ये देखिए, तिल को भूनना है। ये तिल भून रहा है हमारा। देखिए, इसमें आवाज आ रहा है। देखिए, तिल भून रहा है। थोड़ा और भूनना है। तिल भुना कर चुका है, इसमें खुशबू आ गई है। अब मैं इसको वापस फिर इसी में ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। इसी पैन को फिर मैं वापस चढ़ा रही हूँ। इस पैन को फिर से मैं वापस चढ़ा रही हूँ। हाई हीट कर दिया है। इसमें मैं अब 2 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। अभी गर्म हो रहा है, क्योंकि सरसों का तेल है, अच्छे से भून जाए। ये थोड़ा सौते कर रही हूँ मैं हरी मिर्च। इसको भी निकाल के रख लेना है। अब ये लाल मिर्ची डाल रही हूँ इसमें। ये हो चुका है। मैं बहुत सारा गार्लिक डाल रही हूँ, इसमें फ्लेवर अच्छा आता है गार्लिक का लाल साग में। दो फ्लेम कर दें और इसको भूनना है। देखिए, इधर अपना ये लहसुन हो रहा है, इधर मैं टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर भी भूनता रहेगा उधर। ये प्याज भी डाल रही हूँ इधर। देखिए, 2 मिनट हो चुका है। अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ। क्योंकि पहले इसमें नमक ना डालें, क्योंकि ये पहले अधिक दिखता है, बाद में कम हो जाता है। इसी हिसाब से नमक डालना चाहिए। ये फ्राई हो रहा है। अब मैं 1 कटोरी चना डाल रही हूँ इसमें। ये 1/2 चम्मच अदरक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
ये भुना हुआ जीरा है, आधा चम्मच ये भी डाल रही हूँ। गैस को कम कर दे रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक, ये नींबू का रस है ये भी डाल रही हूँ। अब इसको चलाना है, इधर से चलाते रहिए, ये अभी नहीं पका है, साइड में भी चला रही हूँ। इसको ढक करके 2 मिनट के लिए, इसमें लीड लगा रही हूँ 2 मिनट के लिए, अभी ये पक रहा है। अब ये 2 मिनट हो चुका है, मैं ये लीड तो हटा रही हूँ। ये देखिए तेल भी छोड़ दिया है। ये क्या है, सूख नहीं है, हल्का हल्का इसको चम्मच से दबा दबा के थोड़ा स्मूथ करना चाहिए। इधर भी चलाते रहें ताकि चिपके ना। अब मैं इसको मिला रही हूँ, ये जो मैं निकाल के रखी थी आधा इसमें डाल रही हूँ, आधा गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। तो थोड़ा और भूनना है 2 मिनट, जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। हाई फ्लेम पे भून रही हूँ, चिपके भी ना, चलाते रहें अच्छे से। अब लो फ्लेम करके 2 मिनट और ढक के पका रही हूँ। देखिए ढक्कन हटा के देख रही हूँ, ये हमारा लगता है बन चुका है। थोड़ा और फ्राई कर देती हूँ, देखिए तेल सेपरेट हो गया है, कलर भी अच्छा आया है लाल। ये अब मैं डिश आउट करूँगी, गैस बंद कर दे रही हूँ। देखिए मेरा ये बन के तैयार है। अब मैं गार्निशिंग कर रही हूँ, ये जो मैं बाहर निकाल के रखी थी, थोड़ा प्याज, लाल मिर्ची और ये हरी मिर्च, ये हमने तिल भून के रखा था, इसको डालना है। देखिए हमारा लाल भाजी विथ चना बन के तैयार है।